Hello everyone, I am Trupti and welcome back to the class of NPC Neva Physics classes. So बच्चों, आज की हमारी क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2021 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले भी आपको सिखाएंगे जिसके थ्रू आप आगे की आपकी जो क्लास हैं आप 12th जी या नीट जिसकी भी प्रिपरेशन आगे करना चाहेंगे तो उसके लिए ये सारे फॉर्मूलेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे क्योंकि आगे आपको जो भी कंपिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करना है उसके लिए मेन जो थिंग है वो है न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले की पूरी लिस्ट होनी चाहिए सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए तो हमारा ये एम है अभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें इस चैनल को मैंने क्रिएट इसीलिए किया है एकमात्र इंटेंशन मेरा ये है कि मैं फिज़िक्स की सारी प्रॉब्लम्स से इजीली डील करवाऊं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं फिज़िक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको इजीएस्ट वे में एक्सप्लेन करूं ताकि आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सिंपल और इजी बन जाए अगर आपको मेरे ये सभी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ बच्चा सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए ताकि ये सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके आई होप आपको आज का ये वीडियो भी पसंद आएगा क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे किस तरह से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे अभी उसकी चर्चा करने वाले हैं चलिए तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं विथ द अमेजिंग वर्ड्स दैट इज़ डोंट वेट द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट ओके आपको किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना है सही टाइम का भी वेट नहीं करना है आपको बस अपना वर्क जो है वो 100% देना है और काम करते चले जाना है आपका अभी 2021 का एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर होना है ओके आपको कुछ भी नहीं देखना है ना रिजल्ट की चिंता करनी है ना और कुछ बस आपको जो डेली रूटीन है उसमें थोड़ा थोड़ा आप स्टडी करें और जितना स्टडी करें वो अपना 100% एफर्ट लगा कर करें तो उससे आपका रिज़ल्ट 100% आएगा आई होप आप सभी को इन वीडियोस से कुछ ना कुछ हेल्प मिले अगर एक बच्चा भी ये वीडियो देखकर उसको समझ में आता है या उसको चीज़ें क्लियर होती है या फिर और भी दूसरी तरह से हेल्प होती है तो मेरे लिए ये काफ़ी बड़ी बात होगी क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप सभी तक मेरे ये वीडियोस पहुँचे ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास बच्चे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल एंड यस क्वेश्चन नंबर 18 उसमें हमने नहीं डिस्कस किया था बिकॉज ये थियोरी का क्वेश्चन था इसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे सो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करें एंड देन फिर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में बताऊंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 ए व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आप यूजुअली घरों में बल्ब यूज़ करते हैं लैंप यूज़ करते हैं तो उसमें एक फिलामेंट होता है जो कि टंगस्टन का बना होता है तो उसमें टंगस्टन का ही आप यूज़ क्यों करते हो तो आपका इस आपको इसका रीज़न देना है तो देखिए अगर आप कोई भी मेटल यूज़ करेंगे तो लाइट लाइट प्रोड्यूस हो रही है इन द सेंस लाइट एनर्जी ओके अब बल्ब से लाइट प्रोड्यूस हो रही है इसका मतलब कि जब
हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट में, तो इलेक्ट्रिक करंट के सप्लाई के थ्रू हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होते ही, अगर आप काफ़ी टाइम तक और इलेक्ट्रिसिटी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में या किसी भी अप्लायंस में फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में ये है कि जब इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई होता है वहाँ पे, तो हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, बट हीट एनर्जी के साथ लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। अब देखिए, इसका एक डीप सा कॉन्सेप्ट है कि लाइट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हुई और हीट एनर्जी उसमें कैसे प्रोड्यूस हुई। तो जब भी आप किसी भी मेटल की बात करें, अगर किसी में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, मीन्स किसी भी सब्सटेंस में अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें एटम्स का कोलिजन ज़्यादा होगा, इट मीन्स हीट जनरेट ज़्यादा होगी। ओके, अब हीट जनरेट ज़्यादा होगी मतलब कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और जब हीट एनर्जी का भी लेवल बढ़ जाएगा तब लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो टंगस्टन फिलामेंट का यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि इसका जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा कोलिजन होता है उनके एटम्स में, और हीट एनर्जी के साथ फिर लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। और सेकेंड चीज़ है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर आप किसी भी सिंपल मेटल में अगर करंट फ्लो करवाएंगे तो एक लिमिट तक फ्लो होगा, उसके बाद फिर वो मेल्ट हो जाएगा। तो टंगस्टन की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है, क्या मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, जिससे कि वो इजीली मेल्ट नहीं हो पाता। क्या मेल्टिंग पॉइंट होता है, मैं इस डिग्री के अगर आगे आप जाओगे, इस टेम्परेचर के आगे आप जाओगे तो ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा, तो तब तक तो आपको लाइट मिल जाती है। तो इसीलिए ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, फर्स्ट इज रेजिस्टिविटी हाई एंड सेकेंड इज मेल्टिंग पॉइंट हाई। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इसीलिए हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं एज अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बी देखिए, क्वेश्चन नंबर 18B, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस सच एज ब्रेड टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड बाय एन अलॉय रादर देन द प्योर मेटल। तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि जो आप इलेक्ट्रिक आयरन और इलेक्ट्रिक ब्रेड टोस्टर है, ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो अलॉय से बनी होती हैं, प्योर मेटल से क्यों नहीं बनी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो अप्लायंसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक आयरन ब्रेड टोस्टर, ये क्या होता है, आपको इसके लिए हीट एनर्जी चाहिए। और हीट एनर्जी कब मिलेगा, जब हम वो मेटल यूज़ करेंगे या वो अलॉय यूज़ करेंगे, वो सब्सटेंस यूज़ करेंगे जिसमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो। अभी जस्ट पहले ही हमने बात की, रेजिस्टिविटी जिसकी ज़्यादा उसमें कोलिजन ज़्यादा, मीन्स हीट एनर्जी मोर प्रोड्यूस होगी। ओके, तो आपको इसमें अलॉय और प्योर मेटल में तो रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता है और उसमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है, उसमें कुछ कोलिजन वगैरह इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। ओके, तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। और अलॉय के मेटल के कंपैरिजन में अलॉय में काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, जिससे कि हीट प्रोड्यूस होगी और हीट एनर्जी के थ्रू ये अप्लायंसेस वर्क करेंगे। तो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो ये है कि अलॉय का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। ओके, ये और हीटिंग एनर्जी के लिए, हीट एनर्जी के लिए हाई रेजिस्टेंस ही चाहिए, एनर्जी प्रोड्यूस। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नंबर सी डील का, डोमेस्टिक सर्किट में सीरीज जो अरेंजमेंट होता है, एक्चुअली फर्स्ट फर्स्टली अगर आप बात करें कि आपके पास अगर टू इंस्ट्रूमेंट है और दोनों सीरीज में हैं, ओके, तो सीरीज में आपको पता है सीरीज में वोल्टेज जो है वो डिवाइड, और करंट की जो डायरेक्शन है या करंट जो है वो दोनों अप्लायंसेस को सेम मिलता है। अगर यहाँ पे एक ने वर्क बंद कर दिया, एक ने किसी कारण से वो डैमेज हो गया, ओके, फर्स्ट अप्लायंस, तो करंट वहीं रुक जाएगी, वो सेकंड अप्लायंस तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि पाथ तो एक ही है, सिंगल पाथ है।
इसलिए वो आगे तो जा ही नहीं सकती, तो सेकेंड अप्लायंस हमारा काम करना बंद कर देगा। ओके, तो ये एक डिसएडवांटेज है जिसके कारण हम, सेकेंड चीज़ ये है कि अगर आप सीरीज में रखेंगे तो आपको सीरीज में मतलब हर एक पर्टिकुलर अप्लायंस का एक लिमिट होता है कि वो इतना वोल्टेज उसको चाहिए, तो सीरीज में वोल्टेज क्या है डिवाइड हो जाता है। ओके, अब इससे चाहिए 220 वोल्ट, बट यहाँ पे आके सीरीज में तो ये डिवाइड हो गया, तो फिर ये वर्क नहीं करेगा, ये अप्लायंस वर्क नहीं करेगा। ओके, तो ये टू थिंग्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल वोल्टेज डिवाइड, ओके वोल्टेज ड्रॉप भी बोल सकते हैं आप, एंड सेकेंड सिंगल पाथ, पाथ ऑफ करंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप इजीली, आपने जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लर्न किया है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इफ वी इंक्रीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देन आर रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज, एंड इफ वी डिक्रीज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज। ओके, ये फॉर्मूला हमने लर्न किया है। नेक्स्ट वन, व्हाई आर द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। तो आप देखते हैं इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेस होते हैं, तो एक्चुअली कॉपर और एल्यूमिनियम जो हैं, ये दोनों जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी उसमें से ईजीली पास आउट हो जाती है। ओके, सो आपको इजीली अप्लायंस में करंट मिल जाता है, इजीली वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए हम लोग कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल जो है वो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे एंड हो गया है, अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आपको बताने वाली थी। ओके, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम पर्पस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उसके वेटेज को हम डिस्कस करते हैं। तो सिंपल सा अगर वन वर्ड क्वेश्चन है तो वो तो एक वन मार्क्स में ही आपको आएगा। उसके बाद जैसे सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज वन वोल्ट, और जैसे वी कैन से व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट गिव इट्स यूनिट। सो इस तरह के जैसे अगर डेफिनेशन यूनिट की बात करें तो उस टाइप के क्वेश्चन आपके टू मार्क्स के होते हैं। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। मीन्स किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस जो मेंटेन करता है वो डिवाइस आपको बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक ही डिवाइस जो है वो मेंटेन कर सकती है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है, दैट इज बैटरी, बैटरी और सेल। ओके, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन टू और मोर देन टू सेल्स अगर जहाँ पे ऐड हो, दैट इज बैटरी, एंड सेल भी हो सकता है, सेल भी पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर सकता है। ओके, सेल के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज वन वोल्ट। मीन्स अगर आपने बोला है वन वोल्ट तो इसका क्या मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट है इसका क्या मतलब है। और इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछा जा सकता है कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट बताइए। ओके, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देनी है और उसके बाद उसका यूनिट बताना है, अगर एग्जाम में इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन एंड देन यूनिट, ओके सिंबल, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो चलिए आप बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वन वोल्ट, तो इसका मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है, दैट इज V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वन वोल्ट कब होगा, जब हम वर्क की वैल्यू भी वन करें और चार्ज की वैल्यू भी वन सपोज करें। ओके, चार्ज इन कूलम एंड वर्क इज एनर्जी एंड एनर्जी इन जूल। ओके, वर्क एंड कूलम,
ये सभी यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इस लैंग्वेज में किस तरह बोलेंगे कि जब भी आप 1 वोल्ट की बात करें, सो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सिंपली अगर ये अगर आप 2 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं और अगर आपका चार्ज 1 कूलम्ब का चार्ज यहाँ है इस पॉइंट पर, तो आपको इसे इस पॉइंट पर सेकेंड पॉइंट पर ले जाना है, तो सेकेंड पॉइंट पर ले जाने में जितना भी आपको वर्क करना पड़ेगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड। तो रेजिस्टेंस जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेंथ पर डिपेंड होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके सेकेंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके लेंथ को अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेंगे देन रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। थर्ड फैक्टर है मटीरियल, मटीरियल पे भी डिपेंड करता है। वो कैसे कि अगर आप मेटल लेते हैं या और अदर कोई अलॉय लेते हैं, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक निक्रोम मेटल लिया तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर या और अदर मेटल। ओके अगर कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करें हम, तो ये दोनों कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो जनरली उनका रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है, उनमें से करंट इजीली पास आउट होती है। ओके बट यहाँ पे हम अगर निक्रोम की बात करें तो ये कॉपर से 60 टाइम्स मोर उसका रेजिस्टेंस होता है, इसलिए उसमें से इजीली करंट फ्लो नहीं होती। ओके तो ये भी चीज़ें हैं कि आप मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं उस पर भी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। फोर्थ है टेम्परेचर, टेम्परेचर इन द सेंस अगर आप मेटल लेते हैं, अगर आपने कोई भी सब्सटेंस लिया है मेटल, तो टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर को अगर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। ओके तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर, मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ। ओके अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सम सोर्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसी पे डिपेंड है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर यहाँ पे आप थिन वायर लेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम होगा। ओके एंड थिक वायर लेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, हाई होगा। तो आपको बताना है कि किस वायर में करंट फ्लो इजीली होगा। ओके तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप थिन वायर लेंगे तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो लो है, तो रेजिस्टेंस हाई होगा। मीन्स रेजिस्टेंस और करंट का जो रिलेशन है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई। तो अगर रेजिस्टेंस हाई है तो करंट लो होगा, मीन्स यहाँ इसमें से जो थीन वायर है इसमें से करंट इजीली फ्लो नहीं होगा। अब थीक वायर की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ हाई होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होगी, रेजिस्टेंस कम है मीन्स इजीली वहाँ करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो हमारा आंसर है दैट इज थीक वायर, दैट इज योर आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, लेट द आर कॉन्स्टेंट वाइल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। मीन्स वी को आपने डिक्रीज किया है, ओके डिक्रीज टू हाफ, हाफ कर दिया, इतना डिक्रीज किया है कि वो हाफ हो गया। शुरू में अगर वी है तो वो वी बाई टू हो गया, देन वॉट चेंज इन आई, आई में क्या चेंज होगा। तो सिंपली अगर आर कॉन्स्टेंट है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा
और वी को डिक्रीज किया हमने, हाफ डिक्रीज किया, तो करंट भी हाफ डिक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमने पहले कर चुके हैं, सो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर सेवन्थ पे आते हैं। विच एमंग द आयरन एंड मरकरी इज द बेटर कंडक्टर, बेटर कंडक्टर कौन सा है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है। सो आवर आंसर विल बी आयरन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मटीरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, सो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर कि जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी लो होता है, इजीली उसमें से करंट फ्लो हो जाता है, इसीलिए वो बेस्ट कंडक्टर है। ओके क्वेश्चन नंबर एट, ड्रॉ अ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, अ 5 ओम रजिस्टर एंड 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। आपको एक डायग्राम शो करना है जिसमें बनाना है, जिसमें आपके रेजिस्टेंसेस हैं, 3 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, बैटरी कनेक्टेड है, प्लग की कनेक्टेड है। ओके तो चलिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका सीरीज़ में है तो सीरीज़ में इस तरह से कनेक्ट किया जाता है 1 बाय 1। फर्स्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम, सेकेंड 8 ओम एंड थर्ड 12 ओम। ओके अब यहाँ एक बैटरी हमने ऐड कर दी, तो बैटरी के इच सेल की जो वैल्यू है दैट इज़ 2, सो टोटली बैटरी की जो वैल्यू होगी वो 6 वोल्ट। ओके एंड प्लग की कनेक्ट कर दिया ताकि आप सर्किट को ओपन एंड क्लोज कर सकें। तो इस तरह ये हमारा सिमेट्रिक डायग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। ये जनरली 3 मार्क्स में आता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। मींस जो हम घरों में अप्लायंसेस यूज़ करते हैं वो जनरली पैरेलल कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, सीरीज़ में नहीं होती है, तो ऐसा क्यों होता है और पैरेलल के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो इस क्वेश्चन में आपको डील करना है। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, स्टेट द मेरिट्स एंड डी मेरिट्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो मेरिट्स हैं वो इसी एडवांटेजेस में इंक्लूड हो जाएंगे। ओके और डी मेरिट्स पे हम फिर इस क्वेश्चन पे जब आएंगे तब चर्चा करेंगे। ओके देखिए फर्स्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट आर द एडवांटेजेस। तो फर्स्टली अगर आप अप्लायंसेस को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, पैरेलल में अगर फर्स्ट अप्लायंस ने वर्क करना बंद कर दिया किसी कारण वो डैमेज हो गया तो सेकेंड अप्लायंस आपका नॉर्मली रन करेगा, वो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलेगा, उस पर कुछ अफेक्ट नहीं होगा। ओके तो ये चीज़, ये एडवांटेज है कि आप पैरेलल अरेंज करते हैं। सेकेंड एडवांटेज ये है कि हर एक अप्लायंसेस का अपना स्विच होता है जिसके थ्रू आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके तो अगर आपको इस अप्लायंस को नहीं यूज़ करना है तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, इसे यूज़ करना है तो आप इसे ऑन कर दीजिए, तो जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेव भी हो जाता है। तो ये एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि आप जो भी अप्लायंसेस यूज़ करते हैं पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो एवरी अप्लायंसेस को वोल्टेज की सेम वैल्यू मिलती है, वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। ओके जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है करंट के इजीली फ्लो करने में। क्यों? क्योंकि वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओके वोल्टेज होगा एक जैसा या सेम होगा, सेम वोल्टेज पे काम करेगा अप्लायंस तो करंट भी उसमें से फ्लो इजीली हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है कि जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो यूज़ करते हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में अगर ओवरऑल रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। हमने हमारे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर आप पैरेलल की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस
डिक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रहा है. ओके, तो रेजिस्टेंस कम होगा इन द सेंस क्या होगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी. ओके, यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ मीन्स करंट की वैल्यू हाई होगी और करंट आपको इजीली मिल पाएगा. आई होप ये चारों पॉइंट क्लियर हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कोड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज. मीन्स हीटिंग एलिमेंट तो ग्लो करते हैं बट इलेक्ट्रिक हीटर का जो कोड है वो ग्लो नहीं करता है. तो सिंपल ये है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है. जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें से हीट एनर्जी के साथ लाइट एनर्जी भी इमिट होगा. ओके, तो ये एक रीज़न हो रेजिस्टेंस का कम होना, रेजिस्टेंस का डिक्रीज होना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट. देखिए एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज पावर. ये जो एनर्जी, रेट एट विच एनर्जी, जहाँ पर भी रेट वर्ड यूज हो जाता है मीन्स वो टाइम के साथ साथ वैल्यूज चल रही है. एनर्जी की जो वैल्यू है वो विथ रिस्पेक्ट टू हम टाइम मेजर कर रहे हैं. तो रेट एट विच एनर्जी मीन्स एनर्जी की जो वैल्यू है एक पर्टिकुलर रेट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे. तो एच बाई टी जो है वो आपके पास पावर की वैल्यू होती है. ओके, तो ये क्या शो कर रहा है, पावर को. और डायरेक्टली भी आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज पावर. तो पावर इन द सेंस आपको आंसर यही करना है, रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड. सो दैट इज द पावर. वो पावर का यूनिट होता है वॉट. ओके, इसे सिंबल कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं. NCERT में जनरली क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछते हैं. तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं या डायरेक्टली भी आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज पावर. तो पावर की आपको डेफिनेशन देनी है एंड देन यूनिट बताना है, सिंबल बताना है. तो ये आपका इस तरह के क्वेश्चंस जो डेफिनेशन के हैं वो 2 मार्क्स में जनरली आते हैं. ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. तो देखिए मेरिट्स जो हैं, एडवांटेजेस हैं, वो तो हमने यहाँ डिस्कस किए थे. डीमेरिट्स डिस्कस नहीं किए थे तो वो हम इस क्वेश्चन में करते हैं. देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो आपको लॉट्स ऑफ वायर की ज़रूरत रहती है. ओके, वायर आपको ज़्यादा चाहिए इसमें. सेकेंड है कि अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है. ओके, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स होते हैं करंट के फ्लो करने के लिए. तो काफ़ी सारे पाथ के कारण ये जो इसका जो सर्किट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सिंपल नहीं होता है. तो इससे आपको डील करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. नेक्स्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके जो वोल्टेज की वैल्यू है वो सेम रहती है. अगर आपको किसी अप्लायंस में वोल्टेज की वैल्यू को वैरी करना है तो इसके थ्रू आप पैरेलल के थ्रू नहीं कर सकते. तो आपको वोल्टेज की वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते. ओके, वोल्टेज सेम, तो एक ये डीमेरिट है. तो इस तरह से आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को, उसके एडवांटेजेस भी हैं कुछ एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, ये आपको जनरली 2 मार्क्स में आता है. इसमें आपको डेफिनेशन एंड आपका यूनिट उसके बारे में डिफाइन करना है. ओके, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. देखिए फर्स्ट सेंस की बात. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल वायर. मेटल वायर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए फिजिकल क्वांटिटी जो रिस्पॉन्सिबल है, तो आप किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो के लिए एक्स्ट्रा जो क्वांटिटी है वो क्या यूज़ करते हैं, बैटरी और सेल. ओके, दैट इज योर आंसर. वॉट इज द इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अब जैसे आपने
एक सर्किट बनाया, उसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स ऐड किए, लाइक रेजिस्टेंस, बल्ब है, की है, एमीटर, वोल्ट मीटर, बैटरी। तो ये सभी मिलकर, ये सभी जॉइंट करके जो हमारा एक स्ट्रक्चर बना है, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, और अगर आप इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ अ कंटिन्यूस कंडक्टिंग पाथ ऑफ कंसिस्टिंग वेरियस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स लाइक बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर, वायर्स इसमें यूज होते हैं एंड स्विचेस। ओके, सो दिस इज सर्किट। अगर आप एक सर्किट ड्रॉ करें तो ये हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, टू रेजिस्टेंस ले लिए, ओके, एंड देन बैटरी और वी कैन से सेल, दैट इज की, दैट इज एमीटर। एमीटर हमेशा सीरीज में ऐड किया जाता है, यहाँ पे आप वोल्ट मीटर लगा दीजिए, वोल्ट मीटर को पैरेलल में ऐड करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये जो कंपोनेंट्स हैं, उन सभी को हमने वायर्स के थ्रू ऐड कर दिया, ओके, जॉइंट कर दिया। तो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है आपका, दैट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट, डिफाइन अ यूनिट ऑफ करंट। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए, डिफाइन अ यूनिट ऑफ करंट या डिफाइन अ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट, तो इन सभी के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी आपको वैल्यू पूछे, जैसे करंट की वैल्यू पूछे, तो करंट I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ओके, अभी अगर यूनिट की बात करें तो करंट अगर I के प्लेस पे आप 1 पुट करें और Q के प्लेस पे आप 1 कूलम पुट करें, T इन द सेंस 1 सेकेंड एंड एम्पियर, I इज फॉर एम्पियर। ओके, तो ये जो आपके करंट की जो यूनिट होती है ये एम्पियर होती है, बट इसे आपको डिफाइन करना है, एम्पियर को आपको डिफाइन करना है। तो एम्पियर को यहाँ पे किस तरह से डिफाइन करेंगे कि इफ 1 कूलम चार्ज पासिंग थ्रू इन अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन वी कैन से 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। ओके, सो हियर इज द डेफिनेशन, या आप डिफाइन करेंगे यूनिट ऑफ करंट को इस तरह से। ओके, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंड यूनिट होगा एम्पियर, एम्पियर को आप सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिफाइन इट्स यूनिट। आपको इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बताना है, तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला हमने यहाँ से जस्ट आपसे शेयर किया है, क्यू बाई टी, और इसका यूनिट, तो यूनिट भी एम्पियर, तो ये सेम ही क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूले पे डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम कुछ फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आज यहाँ पे डिस्कस की है, वो सभी आपको इजीली समझ आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड होगी, नेक्स्ट चैप्टर। मैंने ये चैप्टर इसीलिए लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट का रिलेशन है, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, सो देखना ना भूलें मैग्नेट का जादू फॉर द अपकमिंग नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।